Welcome back to BBVN online classes. In last video, we discussed about introduction to Python programming language. As you know, Python is a high level programming language. ये क्या एक high level programming language है? तो आगे अपन discussion करते हैं कि कोई भी programming language है उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है. तो देखिए, फर्स्ट थिंग ये आती है, वी आर जनरली राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज. कि अपन जनरली कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं. ए हाई लेवल लैंग्वेज इज वन दैट इज अंडरस्टेबल बाय अस. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको अपन समझ सकते हैं, या इसमें लिखा है ह्यूमंस, या अपन कैसे ह्यूमन या कोई भी यूजर है उसको आसानी से समझ सकता है. दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड. इसे अपन क्या कहते हैं? सोर्स कोड. इट मींस कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी अपन कोडिंग करते हैं, आप पाइथन का जो आइडियली है, या पता अपन कहते हैं पाइथन का जो एडिटर है उसको ओपन करके जो भी कोडिंग लिखते हो उसे अपन क्या कहते हैं? सोर्स कोड लिखते हैं. अब कंप्यूटर है वो सोर्स कोड को समझता नहीं है. तो नेक्स्ट अपना आता है, हाउ एवर ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज. कि कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं है, इट मीन्स वो सोर्स कोड को नहीं समझता है. इट ओनली अंडरस्टैंड्स द प्रोग्राम रिटन इन जीरो एंड वन इज बाइनरी. कि कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली उसी प्रोग्राम को समझता है जो जीरो और वन में होता है, जो बाइनरी के अंदर होता है, या अपन कहते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है. इट मीन्स हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग है उसको कंप्यूटर नहीं समझता, या अपन कहते हैं सोर्स कोड को कंप्यूटर नहीं समझता. अब कंप्यूटर किसको समझेगा? कंप्यूटर समझेगा जीरो एंड वन को, या अपन कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज को. इट इज कॉल्ड मशीन कोड. इसे अपन मशीन कोड भी कहते हैं, या ये कह सकते हैं अपन कि मशीन कोड को समझेगा. इसके साथ ही साथ एक वर्ड और आता है जिसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड. इट मीन्स कि अपन जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं अपन सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं, और कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज या जीरो वन या बाइनरी, या फिर अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड को समझता है. तो अब ऑब्जेक्ट कोड कहाँ से मिले अपन को? तो देखिए आगे अपन बात करते हैं. टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड वी यूज आइदर ए कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर. कि सोर्स कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड या लो लेवल कोड उसमें चेंज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? या तो कंपाइलर का यूज करते हैं, या फिर अपन करते हैं इंटरप्रेटर का यूज. अब ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर है, जो क्या करते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर चेंज करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं सोर्स कोड को ये किसमें करते हैं? मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं. बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर्स आर यूज टू कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन कोड अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर. कि दोनों ही है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों ही क्या करते हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको किसमें चेंज करते हैं? मशीन कोड में चेंज करते हैं, जिससे कंप्यूटर समझता है. तो देखिए जो स्टोरी है वो कंप्लीट होने को जा रही है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन बनाते हैं सोर्स कोड. अब सोर्स कोड एक यूजर है, एक ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, कंप्यूटर उसको समझता नहीं है. तो उसके बाद क्या होता है? उसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? मशीन कोड के अंदर, या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, या फिर लो लेवल के अंदर. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रीटर, दोनों ही क्या है? ट्रांसलेटर है. तो कह सकते हैं अपन कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर बोथ आर द ट्रांसलेटर, बोथ आर द कन्वर्टर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इंटू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड इंटू मशीन कोड. ये क्या करते हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं, जिससे कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को फिर आगे समझेगा. तो देखते हैं अपन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रीटर के अंदर. तो देखिए अगर अपन बात करें कंपाइलर, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपाइलर. तो देखिए वन बाय वन अपन करते हैं. इट टेक्स एन एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम. तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाइलर कन्वर्ट
एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, या अपन कह सकते हैं एट ए टाइम। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, और जो इंटरप्रीटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ कंपाइलर क्या है, एक साथ कन्वर्ट करेगा तो ये फास्ट है, इंटरप्रीटर क्या है, स्लो है। अब अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा प्रीफर्ड किसको किया जाता है, कंपाइलर को किया जाता है। तो देखिए इसमें जो भी डिफरेंस है जो वो वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। इट टेक्स एन एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम, ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है। और अगर अपन बात करें इंटरप्रीटर की, इट टेक्स सिंगल लाइन ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, ये क्या करता है, सिंगल लाइन को ये एक साथ, ये सिंगल लाइन को क्या करता है, लेता है। इट मीन्स ये जो कंपाइलर है वो एक साथ कन्वर्ट करेगा पूरे प्रोग्राम को, और इंटरप्रीटर वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। इट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, ये क्या करता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड है वो जनरेट करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, ये कोई भी इंटरमीडिएट कोड है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। द कंपाइलेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन है, इट मीन्स कंपाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो गया, ये आपके एग्जीक्यूशन से पहले है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है। पर अगर अपन बात करें इंटरप्रीटर की, तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो आपका कंपाइलर इंटरप्रीटर है वो दोनों है, लगातार है, एक के बाद एक है, वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। मतलब दोनों जो प्रोसेस है जो आपके कंपाइलर के अंदर है, सबसे पहले कंपाइलेशन का काम हो जाता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। और अगर अपन बात करें इंटरप्रीटर की, तो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों वन बाई वन होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन वन लाइन को ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो पहले एक लाइन का जो सोर्स कोड होगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके देन क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेंज करेगा, फिर तीसरी को करेगा। इट मीन्स इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। नेक्स्ट है कंपेरेटिवली फास्टर, कंपाइलर क्या है, फास्ट है, ये क्या है, स्लो है। नेक्स्ट, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, इसको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन इंटरप्रीटर की बात करें, इट रिक्वायर लेस मेमोरी, इट डज नॉट क्रिएट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, ये क्या करता है, लेस मेमोरी यूज करता है और जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड है वो नहीं बनाता है। डिस्प्ले ऑल एरर्स इफ कंपाइलेशन ऑल एट द सेम टाइम, कि जितनी भी एरर्स होती है वो कंपाइलेशन के टाइम पे आपको सारी की सारी ये जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। अगर इंटरप्रीटर की बात करें, डिस्प्ले एरर ऑफ ईच लाइन वन बाय वन, जो इंटरप्रीटर है वो वन बाय वन क्या करेगा, लाइंस में जो भी एरर होगी उसको आपको डिस्प्ले करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कंपाइलर जब प्रोग्राम को एक साथ लेता है तो जितनी भी एरर है उसको एक साथ आपको डिस्प्ले करेगा, पर इंटरप्रीटर क्या करेगा, जिस जिस लाइन में एरर है उसको अपन उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, बाकी लाइंस को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सी सी प्लस प्लस सी हैस यूज कंपाइलर, सी सी प्लस प्लस सी हैस इस प्रकार ये जो लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्या यूज करती है, कंपाइलर का यूज करती है। और अगर अपन बात करें पीएचपी है, पर्ल है, पाइथन, रूबी, ये जो लैंग्वेज है वो क्या यूज करती है, इंटरप्रीटर का यूज करती है। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्रांसलेटर है, दोनों ही कन्वर्टर है। और जो पाइथन है उसमें क्या यूज होता है, अपने इंटरप्रीटर का यूज होता है। तो ये अपने कंपाइलर और इंटरप्रीटर, इसके साथ ही साथ अपन ने क्या पढ़ा, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो यूजर बनाता है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो हाई लेवल को कन्वर्ट करने के बाद 01 के अंदर आता है, या अपन कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। तो ये अपने कंपाइलर और इंटरप्रीटर। थैंक यू।